हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुहम क्लास। दोस्तों आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल सुहम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास टेंथ के विद्यार्थी हूं मैं पीयूष सर। जैसा कि आपको एक एक आर्टिकल की टॉपिक को मैंने समझाया हुआ है एक बेस्ट तरीके की साथ, यानी आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्यों इन्हें इनडेफिनिट आर्टिकल, क्यों इन्हें डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, मैंने अपने लेक्चर वन यानी इसके फर्स्ट वीडियो में आपको पूरा समझा दिया है और उसमें मैंने आपको ए और एन का यूज बता दिया। तो उसी शानदार टॉपिक के साथ हम आ गए हैं आर्टिकल्स के इस पार्ट टू पे। आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो ये पढ़ने से पहले मैं एक बार कहूंगा कि पहले आप हमारी सुहम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि आगे चल के एक एक ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और आप शुरू से अंत तक पहले वीडियो देखना नहीं भूलना है आपको। तो जो आपका ये डेफिनेट आर्टिकल है इसमें होता क्या है, कि डेफिनेट आर्टिकल जैसा कि आप जानते हो वो कौन है, कल मैंने उसकी चर्चा कर दिया था, वो है हमारा द। इसे एक रेस्पेक्टिव आर्टिकल भी कहते हैं, सम्मानित आर्टिकल, क्योंकि ये जिसके पहले लग जाता है ये उसका सम्मान बढ़ा देता है। तो अब याद रखेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल, यानी आज पढ़ने वाले हैं कि कहां पे हम द लगाते हैं। जैसे कल आपको सिखाया गया कि अ का प्रयोग कहां होता है और एन का प्रयोग कहां होता है, तो उसमें ये बता दिया गया कि जो नाउन निश्चित नहीं होते उन्हें निश्चित करने के लिए क्या होते हैं, हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, यानी वे काउंटेबल नाउन के पहले लगते हैं। तो ये आपका क्या है, ये कहां यूज होता है। चलो तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ आर्टिकल के जगह क्या, यूज ऑफ द पढ़ेंगे हम। तो चलिए ये अब आपका रूल वन है, आपका रूल वन। देखिए द का जो प्रयोग है, आप क्या हो जब भी आप लिखते हो कोई सेंटेंस ना, तो द तो ऐसे लगाते हो जैसे आपको खूब पॉकेट में भरा हुआ पैसा छीट रहे हो उसको, यानी द लगाने की एकदम विधा ही भूल गए, मेथड ही नहीं है किसी को मालूम कि द कहां का। द का एक क्या है, गलत यूज आपके सेंटेंस के अर्थ को चेंज कर सकता है, तो वो आप सीखो कहां द लगता है। तो क्या है कि द का प्रयोग हम उन नाउन के पहले करते हैं या उस किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम के पहले करते हैं जिनकी चर्चा। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अन अकेडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम यूपी 10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। आप पहले हो चुकी हो, जब लगे कि इस फला व्यक्ति की यानी एक सेंटेंस पढ़ने के बाद फिर उस व्यक्ति की दोबारा अगर सेंटेंस लिखने में जरूरत होती है तो उस नाउन के पहले यानी उस नाउन के पहले हम द यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि यदि किसी खास व्यक्ति या वस्तु की चर्चा, सुनो, किसी खास व्यक्ति या वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु की चर्चा किसी व्यक्ति या वस्तु की चर्चा वस्तु की चर्चा पहले हो चुकी हो, पहले क्या हो चुकी हो चुकी हो
तो उनके पूर्व हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ओके देखो एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम, आपको पढ़ने के बाद लगेगा अरे इसके बारे में तो अभी अभी हमने बात किया था। तो देखो क्या कि द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। यानी इसका क्या मतलब है कि जो किताब तुम चाहते हो इज आउट ऑफ प्रिंट, वो प्रिंट के बाहर है। जो किताब आप चाहते हो वो प्रिंट के क्या है, बाहर है। तो यानी कि आपको ये ऐसा पढ़ने के बाद लग रहा है कि इस किताब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, इस किताब के बारे में पहले से मालूम था। तो अगर कोई बहुत पार्टिकुलर पर्सन है उसके पहले द, या तो कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु है जिसकी चर्चा हमने पहले किया हुआ है उसके बारे में हम बात करने जाते हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कहां द यूज करते हैं वो देखिए। अब जो देखने वाले हो समझ जाना, एक एक पॉइंट उसका बस हम लिखेंगे, पूरा रूल लिखने में टाइम ना, बस एक एक पॉइंट लिखेंगे आप समझ जाओगे कि हाँ द इनके इनके पहले हम यूज करते हैं। तो क्या है देखो रूल नंबर टू, आपका रूल नंबर टू कि द का प्रयोग नदी नहर सागर महासागर सागर नदी नहर सागर महासागर द्वीप खाड़ी रेगिस्तान और आपका प्रसिद्ध इमारत धार्मिक पुस्तक प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले अकेली वस्तु कोई हो, कोई ऐसी वस्तु जो अपने आप पे अकेली हो, धार्मिक पुस्तक अकेली वस्तु जहाज वायुयान यानी सीप और एरोप्लेन जहाज वायुयान ट्रेन इत्यादि के नामों के पहले करते हैं। ओके ये बात याद रखना, किन किन चीजों के, नदी का नाम आ जाए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, नदी का कोई नाम हो गंगा तो हम क्या लिखेंगे, द गंगा हमारे देश की सबसे पवित्र नदी, तो गंगा के पहले तो हम कोई सागर ले लो, द रेड सी लाल सागर महासागर द इंडियन ओशन हिंद महासागर। ओके द्वीप समूह खाड़ी में देखो द्वीप समूह तो द वेस्ट इंडीज भी क्या है, एक द्वीप समूह ही है, क्या ले सकते हो द वेस्ट इंडीज ऐसे। अब आगे खाड़ी तो क्या लिख सकते हो, द पर्सियन गल्फ या द बंगाल गल्फ, बंगाल की खाड़ी या फारस की खाड़ी, द पर्सियन गल्फ। ओके और ऐसे ही हम ले लें रेगिस्तान, द सहारा डिजर्ट या द थार डिजर्ट, तो क्या हो जाएगा आपका द सहारा डिजर्ट
मरुस्थल हो गया, यानी सबके नाम, इन सबके नाम की पहले आप क्या लगा रहे हो, द लगा रहे हो। ये बात एकदम याद रख, किनके किनके पहले द लगाओगे, मैंने यहां क्या इंक्लूड किया हुआ है, इनको आप लर्न करोगे। आज अपने खुद कलम कॉपी लेके बैठे हो तो उसको लिखते भी जाओ, ताकि आपका माइंड भी वर्क करे और आपके जो हाथ है दोनों वर्क करेंगे, तो ये क्या होगा, पूरा माइंडली सेट रहेगा हमेशा के लिए। उसके बाद हमने क्या लिखा है, खाड़ी रेगिस्तान समझा दिया, प्रसिद्ध इमारत लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इन सबके नाम के पहले आप क्या करो, जो फेमस बिल्डिंग है तो आप क्या करोगे, द ताजमहल, द ताजमहल, ऐसे आ रहा है धार्मिक पुस्तक द रामायण, द रामायण, ऐसी द कुरान, द बाइबिल। लेकिन अगर किसी लेखक के साथ उसका नाम जुड़ा है पुस्तक का, जैसे वाल्मीकि जी रामायण, तो वहां पे द रामायण, द वाल्मीकि जी रामायण नहीं लिखा जाएगा, वहां पे क्या लिखा जाएगा, ओनली वाल्मीकि रामायण। यानी कि अगर कोई रामायण हमारे ग्रंथ का नाम ले रहा है, कुरान का नाम ले रहा है, बाइबिल का नाम ले रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब का नाम ले रहा है, जो हमारे इन पवित्र धर्मों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, तो उनके नाम के पहले आप को आर्टिकल द का प्रयोग करना है। लेकिन उनके साथ अगर उनके राइटर का नाम इंक्लूड हो तो आपको क्या करना है, आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। ये बात एकदम कंफर्म जानना। द रामायण धार्मिक अकेली वस्तु, ठीक है, चांद सूरज धरती ये सब क्या है, सब अकेले हैं, तो इनके पहले आपको करना क्या है, द यूज करना, इनका सम्मान बढ़ाना है। मैंने कहा कि द एक रिस्पेक्टिव आर्टिकल है, यानी सम्मान बढ़ाता है, समझ जाइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दुनिया में। तो द रामायण, द सन, द सन, उसके बाद जहाज का नाम द विक्ट्री, ठीक है, अब टाइटैनिक मत नाम लेना, टाइटैनिक तो डूब गई है, अब उसको निकालोगे, अब तो नहीं, बहुत पहले की है, तो द विक्ट्री, आपकी शिप का नाम है द विक्ट्री, किसी भी वायुयान का नाम ले लो, द एयर इंडिया, द एयर इंडिया, द एयर इंडिया। अब फिर हमने लिखा क्या, ट्रेन का नाम, तो ट्रेन भी क्या आएंगे, कोई भी ले सकते हो, द राजधानी एक्सप्रेस, द पूर्वांचल एक्सप्रेस, द पूर्वांचल एक्सप्रेस, ओके। इन सबके नाम के पहले आपने क्या किया है, द का यूज किया है। और ऐसे ही द का प्रयोग कहां करते हैं वो देखिए, तो द का प्रयोग बच्चे हम क्या करते हैं, यदि किसी भी कॉमन नाउन का संबंध उसके पूरे जाति समूह से हो, जैसे हम कहें कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, कुत्ता क्या है, वफादार जानवर है, इसका मतलब हमने वहां क्या, जो डॉग है हमने उस एक कुत्ते को नहीं कहा, यानी कुत्ते के पूरे उस समूह को हमने चर्चा किया कि जितने कुत्ते होते हैं सब के सब वफादार होते हैं यदि उन्हें, ठीक है, तो यानी कि हम उसके पूरे ग्रुप से बात कर रहे हैं। तो जब कॉमन नाउन का संबंध उसके पूरे जाति समूह से हो तो ऐसे नाउन के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख दें, लिखो क्या होगा कि यदि कॉमन नाउन का संबंध, यदि कॉमन नाउन का संबंध, कॉमन नाउन का संबंध पूरे जाति समूह से हो, पूरे जाति समूह से हो, पूरे जाति समूह से हो, तो क्या हो, कॉमन नाउन का संबंध क्या हो, पूरे जाति समूह से हो, तो हमें क्या करना है, तो उसके पूर्व, उसके पूर्व द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ओके। देखिएगा, जैसे में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, कि द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी पशु है। अब आप हमें यही बताइए
कि क्या हमने किसी एक गाय के बारे में बात की है? नहीं, हमने उस गाय के पूरे समूह की चर्चा यहां की है। तो जब किसी भी नाउन, जब कॉमन नाउन से उसका संबंध उसके पूरे जाति समूह से हो, तो हम उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब आगे हम देखते हैं अगला रूल हमारा क्या कहता है। रूल नंबर फोर्थ है, क्या रूल नंबर फोर्थ आपका कहता है कि ऑल तथा बोथ के बाद, ऑल तथा बोथ के बाद क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे में देखिएगा आप, क्या हम कहें एग्जाम्पल में सभी व्यक्ति आए, ऑल द लगा देंगे तुरंत वहीं पर, ऑल और बोथ के तुरंत बाद द यूज करना है। ऑल द मेन केम, सभी व्यक्ति आए। ऐसे ही अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे प्रांत, कुछ ऐसे देश और कुछ ऐसी भौगोलिक दशाएं हैं जिनके पहले क्या होता है, द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले, चाहे वो व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान का नाम हो, हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जो किसी विशेष परिस्थितियों कारण उनका नाम रखा गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा रूल नंबर फाइव आपका है, क्या कुछ प्रांत, कुछ प्रांत, कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक, तथा भौगोलिक दशाओं के नाम के पूर्व, नाम के पूर्व आर्टिकल द का, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे में देखिएगा क्या आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हमने कहा कुछ प्रांत, जैसे पंजाब है आपका, आपको सबको पता होगा कि पांच पानी, यानी पांच नदियों के समूह से पंजाब, यानी पांच आब मतलब पानी, यानी उर्दू भाषा में आब पानी, यानी उसको उस आधार पर बनाया गया है। तो ये लिखा गया है कि द पंजाब लिखते हैं, लेकिन हम कभी भी द उत्तर प्रदेश, द मध्य प्रदेश नहीं यूज कर सकते, द पंजाब। देश में बात करें तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कई स्टेट्स को मिला के जोड़कर उस अमेरिका को बनाया गया, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके, इसका पूरा नाम। और जिस भौगोलिक दशा की बात करें तो हम लिखते हैं द डेक्कन, द डेक्कन का मतलब होता है साउथ रेंज, ठीक है, साउथ एरिया। तो ये आपका क्या है, इनके पूर्व भी हम द का प्रयोग करते हैं। और हम द का प्रयोग कहां करते हैं, तो आपको बताते चलूं कि द का प्रयोग जो है दिशा के नाम के पूर्व, दिशा के नाम के पूर्व यदि प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन हो, तो द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। अगर प्रीपोजिशन होगा दिशा के पहले तो हम क्या करेंगे, द लगाएंगे, और प्रीपोजिशन नहीं होगा तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं द लगा होगा तो वहां रॉन्ग माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में तो बहुत पूछेगा, अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिशा के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन दिया है, इन, एट, फ्रॉम, फॉर दिया है, तो आप द लगाओगे, नहीं दिया है तो द नहीं लगाना है। जैसे में हम आपको एग्जांपल लिखते हैं, देखिएगा ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, हमने एक शब्द लिखा है द साउथ। दूसरा हम लिख रहे हैं एग्जांपल कि माई हाउस फेसेज ईस्ट,
ओके, अब यहां देखिएगा यहां पे अंतर क्या है। अब आप क्या देख रहे हो कि ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, वह दक्षिण से आ रहा है। तो हम क्या दक्षिण से, से यानी प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो आपके दिशा के पहले आर्टिकल द है। माय हाउस फेसेस ईस्ट, मेरा घर पूरब को खुलता है, यानी कि आपने यहां पे क्या लिखा, कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो इसके पहले आप द का प्रयोग नहीं करोगे। ये बात आप एकदम गांठ बांध लो। अगला रूल है हमारा क्या कि सरनेम और सुपरलेटिव डिग्री के पहले सरनेम्स, ठीक है, जिसको सब नेम्स भी कहते हैं हम, नेम्स व सुपरलेटिव डिग्री के पहले सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई ऐतिहासिक घटना है ना, तो जैसे फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, वहां भी हम यूज करेंगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए आपका जैसे में हम लिख सकते हैं एग्जांपल में द शर्माज, द शर्माज, और डिग्री की बात कर लें तो द बेस्ट यूज करेंगे, द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, यानी कोई सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट, ठीक है। हम इनके जगह क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा आपके आर्टिकल का प्रयोग, कहां पे हम अ, इंडिफिनिट आर्टिकल अ और एन यूज करते हैं, कहां पे डिफिनिट आर्टिकल द, जिसको एक रेस्पेक्टिव आर्टिकल भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने ये सीख लिया कि आर्टिकल का प्रयोग कहां और कैसे करते हैं। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, जो आज का ये आर्टिकल का लेक्चर 2 रहा, ये जो शानदार तरीका आपने सीखा है, इसको एक एक लाइन आप कंप्लीट करके तैयार रखो, ताकि कभी भी आपके आर्टिकल से क्वेश्चन आए आप एकदम पूरे मार्क्स पाने के लिए तैयार रहो। अब आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि अभी भी जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने अभी हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, गुड लक।